सर देखा जाए तो अच्छा लोग मोटापे तो बहुत कुछ मोटापा असल है कि है शरीर के जदों भी साड़ियाँ कैलरीज जिहड़ी साड़ी एनर्जी का मादा जिहड़ा जिन्ना सानू चाहिए है असी उन्ना खाना हुंदा है जिन्ना रोज़ असी वरत लईए। जदों असी खांदे ज़्यादा हाँ साडे अंदर एनर्जी ज़्यादा आउंदी है ते असी उहनू खर्चदे घट हाँ तो फैट के तौर पर मतलब साडे शरीर के जमा होना शुरू हो जाता है। तो वधिया इलाज तो यह है कि आप जिन्ना खाइए उन्ना खर्च दईए जिन्नियां आप एनर्जी अंदर लई है उन्नी कढ दईए। ये सब तो वधिया तरीका है कि आप कंट्रोल्ड खाइए और आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करिए व्यायाम करिए। हुण जिहड़ी नवी तकनीक असीं लैके आए हैं पिछले 5 साल तो असीं चला रहे हैं ब्राज़ील तो असीं लैके आए सी। ये टेक्नीक दे विच असीं मूँह राही दूरबीन पा के अंदरों अंदर ही पेट का साइज घटा दे। शरीर दे विच जदों भी साड़ियाँ कैलरीज जिहड़ी साड़ी एनर्जी का मादा जिहड़ा जिन्ना सानू चाहिए है असी उन्ना खाना हुंदा है जिन्ना रोज़ असी वरत लईए। जदों असी खांदे ज़्यादा हाँ साडे अंदर एनर्जी ज़्यादा आउंदी है ते असी उहनू खर्चदे घट हाँ तो फैट के तौर पर मतलब साडे शरीर के जमा होना शुरू हो जाता है। अलग अलग पहला अंदरले ऑर्गन पर जमा होंदा है फिर वो बाहर दिखन लग जाता है फिर वो लिवर हार्ट हर जगह पर जाके जमना शुरू हो जाता है तो वो जड़ियाँ दिक्कत पैदा होंदिया उन्हें मोटापे की बीमारी कहा जाता है। देखो मोटापे का सब तो वधिया इलाज तो यह है कि आप जिन्ना खाइए उन्ना खर्च दईए जिन्नियां आप एनर्जी अंदर लई है उन्नी कढ दईए। ये सब तो वधिया तरीका है कि आप कंट्रोल्ड खाइए और आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करिए व्यायाम करिए। पर जदों कई बार लोग साढ़े को आते हैं और कहें कि असी ये सब कुछ करके देख लिया साडा मोटापा नहीं घट रहा या फिर उन्होंने मोटापे की वजह नाल तकलीफा शुरू हो जाएं कि लिवर फेल होना शुरू हो गया हार्ट फेल होना शुरू हो गया मोटापे की वजह नाल उदों फिर इन तकनीकों का सहारा लेना पैंदा है। तो जिहड़ी नवीं तकनीक है जिहड़ी हुण प्रचलित तकनीक इस टाइम इंडिया च हैगी है ते मेन 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 पाथवे नहीं है ऑल्टरनेट पाथवे है जिहदे विच आपां सर्जरी करदे सी। हुण जिहड़ी नवीं तकनीक असीं लैके आए हैं ते पिछले 5 साल तो असीं चला रहे हैं ब्राज़ील तो असीं लैके आए सी। ये टेक्नीक दे विच असीं मूँह राही दूरबीन पा के अंदरों अंदर ही पेट का साइज घटा दे। इस टेक्नीक नूं गैस्ट्रोप्लास्टी कहिंदे आ एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोप्लास्टी। देखो जिहड़ी भी चीज़ शरीर दे विच आर्टिफिशियल है उहदे अपने इफेक्ट होणगे। इन्हां कंडीशनां दे विच सानूं देखना पैंदा वी इहदा फायदा ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा। मोटापे ने हुण जे शरीर नूं बिल्कुल खत्म करता है साडे कोल जदों कोई चारा नहीं रहिंदा तां ही इन्हां तकनीकां दा सहारा लिया जांदा तां कि मोटापे दे साइड इफेक्ट घट सकन। इदां दी दुनिया दे विच कोई भी तकनीक नहीं है जिहदा कोई नुकसान ना होवे। मोटापे दी मेन वजह जिवें कि मैं पहलां वी दस्सिया असीं जदों एनर्जी ज़्यादा लेने तो उन्होंने खर्च दे घट हाँ वो ही मोटापे का एक कारण है। सब तो मेन वजह असी अपने मूँह में कंट्रोल च नहीं रखते असी एक लामबंद तरीके दे नाल जिदा सानू खाना चाहिए उदा असी डाइट नहीं लेंगे यही एक मेन तरीका है। कोई भी ऐसी चीज़ जिदे विच शुगर होएगी किसी भी मात्रा दे विच ते किसी भी फॉर्म दे विच असी बिना गलतों ते लोड़ नालों ज़्यादा लवांगे ते उन्ना नाल असी उन्हों एक्सरसाइज करके कढ़ांगे नहीं तो शरीर विच जमा होना ही होना ते वो एक चाहे असी मिठा पा के नींबू पानी भी पी लीए वो भी उन्ना ही खतरनाक हो। बिल्कुल ठीक है ये एक बहुत वड्डी वजह है। अजकल तुसी असी सारे दे घर विच न्याणे हन असी देखिया वो 24 घंटे चो 10-10, 12-12 घंटे या टीवी दे अगे बैठे होंदे ने या कंप्यूटर दे अगे बैठे होंदे ने या मोबाइल ते गेमां खेड रहे होंदे ने। असी जदों बचपन मेरा ख्याल तुसी भी बताया होना असी छून छलिका खेडना उपर दौड़ना इधर इदां अजकल बच्चों असी रौला पाउंदे ही देखना भुल गए हैं।
नहीं तो गलिया के अक्सर पिंड शहरों न्याणी की कावा रौली नहीं सी मुकती होंगी। हूँ तो न्याणे कमरे चो नहीं निकल के राजी, माँ बाप कि कह देंगे ने भी चल घूमन चलिए, बच्चे वो भी मना कर देंगे। सो एक मेजर कारण बन रहा है साडा लाइफ स्टाइल, पूरा एनवायरमेंट इदा का होंगे जा रहा है। असी एडवाइस ये देना चाहते कि असी जो भी खाइए सोच के खाइए, खाना हमेशा भुख रख के खाओ। पंजाबी दे विच एक कहावत है कि खाना भुख रख के खाना चाहिए, जे चार रोटियां की भुख है तो साढ़े तीन खाओ, अद्धी रोटी की भुख सियाने कहते होंगे सी साढ़े बाप दादा भी, रख के खाओ। अपनी शरीर दे विच डेली कसरत नूं वधाओ, पैदल तुरन की आदत नूं वधाओ। जे असी कार भी खड़ी करनी है तो सब तो दूर पार्किंग चला के आईए, ताँ कि एटलीस्ट असी जिथे तक जाना है उन्ना ही तुरना फिरना हो जाए। सो इनू सानू अपने रोज़मर्रा की जिंदगी दे हर स्टैप दे विच पाउणा पएगा। देखो ये टेक्नीक मजबूरी ही करानी चाहिए है, जो असी बाकी तरीके तो हार चुके हैं, ये गल पहली है। दूजी इस टेक्नीक की खासियत है कि दूरबीन राही है, ये चीरा टांका बाहर शरीर से कोई नहीं लगता।